बेटा हमारा थर्ड टाइप है ऑन्टो, राइट? ओके, वन मेनी हमें स्टडी नहीं करना है, अब यहां पे ऑन्टो। बेटा ऑन्टो फंक्शन क्या होता है? सबसे सिंपल ऑन्टो है बेटा। ओके, फॉर एनी फंक्शन ओके, मैं लिख दिया एनी फंक्शन लिख दिया। ओके बेटा, ये क्या है? एवरीबडी नोज दैट कोडोमेन। ओके, y इक्वल टू एफ एक्स, वॉट इज एफ एक्स? तो एवरीबडी नोज दैट बेटा एफ एक्स इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, एग्री बेटा? ओके, फॉर एनी फंक्शन इफ कोडोमेन एंड रेंज इज इक्वल, भाई कोई भी फंक्शन के लिए कोडोमेन एंड रेंज सेम हो जाता है, इट इज कॉल्ड द ऑन्टो फंक्शन। सिंपल डेफिनेशन है भाई, इट इज कॉल्ड द ऑन्टो फंक्शन, राइट? ओके, टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ना है, पढ़ा देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, समझ में आ रहा है? एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, बेटा यहां पे देखो, तो इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, एवरी वाई बिलोंग्स टू बी इफ वी गेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, इट इज कॉल्ड राइट ऑन्टो फंक्शन, इट इज कॉल्ड द ऑन्टो फंक्शन। एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, वी गेट समवन एक्स बिलोंग्स टू ए, राइट? जिससे वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, इट इज कॉल्ड द ऑन्टो फंक्शन।